हमारा टॉपिक था रिपीट लीनियर ग्रेडियंट। पहले हमने सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट देखा है, अब रिपीट लीनियर। रिपीट के अंदर मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके जो कलर है वो परसेंटेज के अंदर होंगे तो रिपीट लगेगा, अगर कलर परसेंटेज के अंदर नहीं होंगे तो रिपीट नहीं लगेगा। पहले रिपीट नहीं लग रहा था, अब देखिए मैंने कलर को क्या कर दिया, परसेंटेज के अंदर कर दिया, तो लेफ्ट कर दिया, जिसको लेफ्ट से नजर आएंगे, अगर राइट कर दूंगा तो राइट से नजर आएंगे। तो देखिएगा इसके अंदर ये देखिए वर्क कलर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसको मैं एंगल पे घुमा दूं, फर्ज करो मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये मैं यहाँ एंगल रोटेट कर देता हूँ, मैं 25 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए रोटेट रोटेट हो गया। बेटा समझ आ गई है कि तो रिपीट लीनियर ग्रेडिएंट क्या होता है। रिपीट के अंदर हम ये होता है कि हम अपने कलर्स को एक ही चीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट होगा कब, जब आप इनको परसेंटेज बताओगे, अदरवाइज रिपीट नहीं होगा। अगर परसेंटेज आप नहीं बताएंगे तो परसेंटेज बतानी इसमें जरूरी होती है रिपीट लीनियर ग्रेडिएंट। अब नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम देखते हैं इसमें, पहले हमने लीनियर ग्रेडिएंट था और ये हमारे पास रिपीट लीनियर ग्रेडिएंट है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो देखिए कि कौन सा है, हाँ जी रेडियल लीनियर ग्रेडिएंट और रिपीट रेडियल ग्रेडिएंट, रेडियल ग्रेडिएंट और रिपीट रेडियल ग्रेडिएंट। अब रेडियल क्या होता है, हम देखें ना यहाँ पर आपको लीनियर की सूरत में है, सीधी लाइंस की सूरत में, यहाँ पर आपके जो कलर है गोलाई के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा और इसे नीचे दिखाता हूँ, ये देखो नजर आ गए, ये देखो आपकी सूरत में, ये देखो सर्कल में, इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रेडिएंट। इसको मैं जरा अब इसी के ऊपर अप्लाई करता हूं, मैं यहां से रिपीट खत्म कर देता हूं फिलहाल, और यहां से डिग्री भी खत्म कर देता हूं। अब देखिएगा जी, अब देख रहे हैं उसने इसको सर्कल के अंदर मूव करवा दिया। अब इसका अगर मैं परसेंटेज बढ़ाना चाहूँ तो अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ, जिसको जितना परसेंटेज पर रखना चाहूँ रख सकता हूँ। येलो को अगर चाहूँ तो 60% कर दूँ, पर टॉलेस को 60% इसका कलर मजीद बढ़ जाएगा। उसने येलो को बढ़ा दिया, इसको हम कहते हैं जो पी रिन अपना रेडियल ग्रेडिएंट। इसमें हमारे पास क्या होता है, सर्कल के ऊपर होता है। अब इसमें भी यह होता है कि आप जो सर्कल बनाना चाह रहे हैं वो सर्कल कहाँ बनाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ इसको 30 कर देता हूँ थोड़ा, तो मैं अगर चाहता हूँ कि टॉप के ऊपर बन जाए तो टॉप राइट, टॉप राइट मैं क्या कहता हूँ, टॉप राइट होता है, तो टॉप के ऊपर और राइट के ऊपर।
अब देख उसे टॉप पे ले गया, अगर इसे मैं कह दूं टॉप राइट, हाँ जी टॉप राइट पे ले गया। अगर यहां मैं कह दूं इसे मैं इसे टॉप लेफ्ट पे कह देता हूँ या सेंटर राइट कर देता हूँ, तो मेरी मर्जी है इसको मैं कहाँ करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ लेफ्ट कर दूँ तो ये इसे लेफ्ट पे ले आएगा, लेफ्ट पे कर देगा। ये आप अपनी मर्जी से इसकी जो पोजीशन है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप राइट पे, राइट पे, जहां पर आप इसे करना चाहें वहां आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं लगा दूं रिपीट, यहां से मैं खत्म करता हूं तो इसको रिपीट करवा दूं। यहां पर लगा देता हूँ रिपीट, रिपीट रिपीटिंग। अब मैंने इसकी रिपीटिंग करवा दी, इसके बाद अब ये बार बार क्या करेगा, रिपीट हो, ये देखें रिपीट लीनियर ग्रेड का मतलब यही होता है कि बार 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 रिपीट होना चाहिए। अब ये सेंटर से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे टॉप दिया हुआ था, आपने ये यहाँ दिया हुआ था टॉप लेफ्ट, यहाँ से ये हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गया। हाँ जी बेटा, पता चल गया है कि रिपीट लीनियर ग्रेडिएंट और लीनियर ग्रेडिएंट और रेडियल ग्रेडिएंट और रिपीट रेडियल ग्रेडिएंट ये सारे किस तरह काम करते हैं। अगर इसके परसेंटेज आप लोग खत्म करते हैं तो भी ये काम करेगा। फर्ज करें आपने परसेंटेज परसेंटेज नहीं बताएंगे, देखें उसने खत्म कर दिया, अब रिपीटिंग नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले बताया था रिपीटिंग के लिए परसेंटेज का होना जरूरी है, अगर आप परसेंटेज नहीं बताएंगे तो वो रिपीट नहीं करेगा। अब इसको रिपीट के लिए परसेंटेज हमें बतानी जरूरी होगी, फर्ज करें इसको मैं 10% कर दूंगा। अब इसको रिपीट करना चाहिए, हॉटस्पॉट चाहिए ना, हॉटस्पॉट देखिए उसने इसको रिपीट कर दिया। रिपीट के लिए बेटा जरूरी है कि आपका कम से कम जो आपकी कलरिंग है वो परसेंटेज के अंदर होनी चाहिए। अगर परसेंटेज के अंदर कलरिंग नहीं होगी तो फिर रिपीट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। रिपीट के लिए जरूरी है कि आपकी कलर जो है वो परसेंटेज के अंदर ही होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया चारों टॉपिक इसके, कि लीनियर ग्रेडिएंट क्या होता है, रिपीट लीनियर ग्रेडिएंट क्या होता है, रेडियल ग्रेडिएंट क्या होता है, रिपीट रेडियल ग्रेडिएंट क्या होता है। हाँ जी बेटा, इसमें कुछ अगर क्वेश्चन आपने करना है तो बता दें। जी बेटा,
स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। पूछना है कुछ या नहीं? चले, इसमें आपके पास एक और चीज भी होती है, वो भी सर साथ में बता देना। ये देखें, क्लोजेस्ट कॉर्नर, आगे फॉर्थेस्ट कॉर्नर। क्लोजेस्ट कॉर्नर में इसमें एक तो आपको दबा देता हूँ, बाकी आप, क्योंकि ये फॉर्थेस्ट बाई डिफॉल्ट होता है क्लोजेस्ट कॉर्नर। मैं एक इसको करके देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्लोजेस्ट कॉर्नर क्या होता है। इसको कर देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ क्लोजेस्ट आप मुझे बताना पड़ेगा कितने परसेंट साइड पे करते हैं। फर्ज करो मैं ऐसे कहता हूँ 30%। हाँ जी, इस वक्त ये है तो रिपीटिंग खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी रिपीट हो रहा है। ये देखिए, उसने यहाँ पर बना लिया। अगर मैं इसको बता दूँ, फर्ज करो, हाँ जी, अपना मैं कह दूँ कि यहाँ पर 60% एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में बता दिया। देखिए कहाँ ले जाता है इसको, नीचे ले आया। परसेंट कहाँ ले गया? तो आपके बच्चे होते हैं कि आप इसे कहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं। आप इसे लेफ्ट टू राइट भी कर जो है वो रख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कॉर्नर के मुताबिक भी या क्लोवेस्ट के मुताबिक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप देख लीजिए। क्लोजेस्ट साइड करें तो फिर क्या होगा, कॉर्नेस्ट करें तो फिर क्या होगा। कॉर्नेस्ट का मतलब होता है कि वो कॉर्नर से देखता है कि कौन सा कॉर्नर उससे जो है वो दूर है, उसके वो करीब लाने की कोशिश करता है। और क्लोजेस्ट मतलब होता है जिसके वो करीब होता है, उसके मजीद करीब जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, एक बात याद रखनी है कि जब हमने लीनियर यूज करना है उस वक्त टू का इस्तेमाल करना है, और जब रेडियल यूज करना है उस वक्त हमने ऐड का इस्तेमाल करना है। इसको भी आप उसी तरह डिग्री पे घुमा सकते हो, कितने डिग्री पे आप रखना है।
या इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपने कलर ऐसे भी दे रहे ना तो एक और तरीके से भी कलर आप दे सकते हैं, आरजीबीए भी दे सकते हैं, आरजीबीए भी कर सकते हैं, आरजीबीए भी दे सकते हैं। आरजीबीए का मतलब उसमें फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, वो चीजें आ जाएंगी, मतलब आरजीबीए कर लेते हैं, आरजीबीए फिर आपको वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी। रेड ग्रीन, रेड कितने परसेंट होने चाहिए, मैं कहता हूँ 50% और ग्रीन 50, 40, और ओपेसिटी अगर मैं देना चाहूँ तो 0.5 चलिए। अच्छा बेटा आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, और यहाँ लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो बल्ब भी बहुत दूर है। ठीक है, लगा के देख लें। पे यहाँ वर्क नहीं कर रहा, इसे वर्क करना तो चाहिए। यहाँ पर रेडियल की जगह हम रियल करके देखें, मुझे लाइट पहले करने दो सेट। लीनियर कंट्रोल जी करते हैं क्या मसला है। वैसे आरजीबी में काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहे काम। हम जब वेबसाइट बनाते हैं तब तो हम यूज करते हैं आरजीबी ही यूज करते हैं अक्सर बाज़ुकात, लेकिन यहाँ पर आरजीबी काम नहीं कर रहा।
आरजी में नहीं काम कर रहा, लेकिन वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा। इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मसला बन रहा है। लीनियर देखें ऐसे तो कर रहे हैं, लेकिन आरजीबी में करते हैं, लेकिन यहाँ कर नहीं रहे। शायद कोई इसमें कोई एरर आ रहा है या इसकी कोई सेटिंग नहीं हो रही ठीक। वैसे यहाँ आरजीबी लगाने से काम करते हैं ये आरजीबी, लीनियर में भी काम करते हैं और ग्रेडियंट में भी काम करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा फिलहाल। इसको देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं काम करता है यहाँ पर। इसको आप खुद लगाकर एक दफा चेक कीजिएगा। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन शायद लग जाए, लेकिन लग नहीं रहा। आरजीबी जी जी करके दिया। इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, शायद ये प्रॉपर्टी है। देखना प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही। ये प्रॉपर्टी यहाँ देखे वर्क नहीं कर रही, पता नहीं उसके प्रॉब्लम है कोई। सिंपल काम करते हैं रेड।
चलें इसका बेटा खुद एक दफा लगा के देखना, शायद ये काम करना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये काम नहीं कर रही, पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है या शायद यहाँ वर्क करती नहीं है, कोई फाइल ठीक नहीं बनी। लेकिन ये है कि इसे यूज कर सकते हैं, RGB के तौर पर भी यहाँ कलर यूज होते हैं। अगर सिंपल तो वैसे ही यूज हो जाते हैं, परसेंटेज में भी यूज होते हैं, और RGBA में भी यहाँ कलर यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल RGBA में यूज नहीं हो रहे, इसको चेक करना पड़ेगा ये क्यों नहीं होते। बाकी आप इसे देख लें, लीनियर ग्रेडियंट, और दूसरा आपका हमारे पास जो है ये क्या नाम लेते हैं उसका, रेडियल ग्रेडियंट, ये दोनों आपने इसको एक दो शेप इसकी बना के चेक कर लेनी है। तो कल नहीं, इंशाल्लाह परसों हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जो आपकी CSS थी वो तकरीबन एंड हो गई है ऑलमोस्ट। एक इसकी प्रॉपर्टी रहती है एनिमेशन, उसमें हमने कर ली थी। एक हम प्रॉपर्टी कर रहे थे वो हॉवर वाली, वो हॉवर वाली उसमें एरर ये था कि असल में हम एनिमेशन के ऊपर लगा रहे थे, वो एनिमेशन थी नहीं बेसिकली, वो प्रॉपर्टी थी ट्रांसमिशन थी, तो हम एनिमेशन कर रहे थे इसलिए वो ठीक नहीं लग रही थी। उसे मैं कल करवा दूंगा ट्रांसमिशन के लिहाज से। तो कल ये आपकी CSS एंड हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट परसों से फिर हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो सर अभी कितना रहता है ये? ये CSS खत्म हो गई, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगना है, फिर बाकी तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के ही हैं चीज़ें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसने आप पूरी आप वो एक ब्रेन का काम करती है वेब डेवलपमेंट में। क्योंकि जिस तरह HTML स्ट्रक्चर तैयार करती है, CSS जो है वो इसकी स्टाइलिश के लिए होती है, और जो जावास्क्रिप्ट है ना वो बेसिकली उसका काम होता है आप ब्रेन का, जितने भी पीछे डेटा किस तरह आपने इंसर्टिंग होगी, किस तरह अपडेटिंग होगी, ये सारा जो काम होल्ड करना होता है वो जावास्क्रिप्ट नहीं करना होता है, ब्रेन उसका जावास्क्रिप्ट है। फिर बूटस्ट्रैप जो है वो हमने करनी है, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट और CSS का कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद हम बैकएंड पे चलेंगे, और एंड पे हम रिएक्ट जेएस करेंगे। रिएक्ट जेएस बेसिकली फ्रंट एंड होती है, लेकिन हम इसे एंड पे करेंगे क्योंकि रिएक्ट जेएस के बगैर भी हमारी काम हो जाता है सारा। लेकिन रिएक्ट जेएस हमने करनी है क्योंकि आजकल जो मार्केट में डिमांड है वो रिएक्ट जेएस की बहुत ज्यादा है।